बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है और इसका रीजन क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम मदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अब कहोगे ये क्या बला आ गई, ये बला ये आ गई। देखो, आपको पता है किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक डिक्टेट होती हैं उसके एटॉमिक और आयनिक रेडियस की वजह से। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई, आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो साइज क्या होता है, घटता है, और डाउन द ग्रुप आते हो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो अलोंग डायगनल आप जाओगे तो साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहेगा ना। ठीक है बात, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर कौन, मान लिया अगर मैं डी ब्लॉक को हटा दूँ तो यहाँ पर कौन है, बेरिलियम। तो इससे डायगनल कौन पड़ता है, एल्यूमिनियम कौन पड़ता है। अगर डी ब्लॉक वाले पोर्शन को हटा के मैं पी ब्लॉक वाले को एस ब्लॉक वाले से जोड़ दूँ, मतलब आप क्या करो, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक वाला पोर्शन कट करके और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, तो आपको पता है बेरिलियम के, जैसे लिथियम के डायगनली कौन पड़ता है, मैग्नीशियम। लिथियम के डायगनली कौन पड़ता है, मैग्नीशियम। वैसे ही बेरिलियम के डायगनली कौन पड़ता है, एल्यूमिनियम। कौन पड़ता है, एल्यूमिनियम। तो क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज घट रहा है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, तो अलोंग द डायगनल क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होंगे, तकरीबन सेम से होंगे, किसके, बेरिलियम के और एल्यूमिनियम के, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो आपने ये पढ़ना है, आयनिक रेडियस ऑफ बेरिलियम टू पॉजिटिव कितना होता है, 31 पिकोमीटर क्या, एंड चार्ज टू साइज रेशियो, बोलो भाई, ध्यान, इसका आयनिक रेडियस भी और चार्ज टू साइज रेशियो भी, दोनों ही तकरीबन किसके बराबर होती हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के। यानी जितना चार्ज टू साइज रेशियो, एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है, +3, उसको एल्यूमिनियम के साइज से भाग कर दो। बेरिलियम का चार्ज क्या है, +2, उसको बेरिलियम 2 पॉजिटिव के साइज से भाग कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, उनके चार्ज टू साइज रेशियो। तो ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिमिलर। ऑलमोस्ट क्या होते हैं भाई, हेंस बेरिलियम रिजेंबल एल्यूमिनियम इन सम वेज। सम ऑफ द सिमिलैरिटीज आर, कौन कौन सी हैं, लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट रेडियली अटैक्ट बाई एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल। बोलो भाई, एल्यूमिनियम की तरह बेरिलियम के ऊपर भी कॉन्टैक्ट नहीं करता, एसिड्स ईजिली अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि क्या करते हैं, समय के साथ आपको पता है, चाहे एल्यूमिनियम हो चाहे बेरिलियम हो, इनकी आउटर सर्फेस प्योर नहीं रह जाएगी, इनकी आउटर सर्फेस पे एक इनके ऑक्साइड से क्या बन जाती है, एयर में ऑक्सीजन होती है ना, उनसे रिएक्ट करके इनके आउटर सरफेस पे क्या बन जाती है, एक ऑक्साइड फिल्म क्या बन जाती है, और वो ऑक्साइड फिल्म क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है। आपने कभी देखा होगा ना, एल्यूमिनियम एक तो बिल्कुल फ्रेश एल्यूमिनियम हो वो चमकता मिलता है, लेकिन एल्यूमिनियम के जो भांडे होते हैं, क्या होते हैं एल्यूमिनियम के भांडे, पता है क्या होते हैं एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम पता होते हैं, वो पुराने होने के बाद उनके ऊपर एक वो थोड़े से मटमैले से पड़ जाते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर क्या हो जाता है, उनके ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है, और वो उनको फिर एक तरह से, आप बताओ उन्हें क्या करती है वो, प्रोटेक्ट, बताओ करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन कम हो जाएगी और आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये यही तो उसने बोलना है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होती है, बताओ भाई, ऑक्साइड की फिल्म हो जाती है जो उसे काफ़ी हद तक क्या करती है, प्रोटेक्ट। वैसे तो आप आयरन के ऊपर किसी चीज़ पेंट पे किसी चीज़ से आप कोटिंग करते हो तो क्या आयरन को जंग नहीं लगता, जंग तो तब भी लगता है, लेकिन वो रेट क्या हो जाएंगी, बहुत स्लो हो जाएंगी। ओके, बोलो भाई क्या लिखा है, ये नॉट रेडियली अटैक्ड, क्या भाई, रेडियली यानी बहुत रिएक्शन फास्ट नहीं रह जाए, हाँ बोलो,
आप कमाल कर रहे हैं, हमको इसको रिएक्ट करने से बचाना है हमको मेटल को बचाना है रिएक्ट करने से। आप कह रहे हो कैटलिस्ट भी डाल देंगे, अरे भाई क्यों, आप तो कह रहे हो कि सर जो आयरन है ना, अगर उसको जंग नहीं लग रहा है ना, थोड़ा स्लो लग रहा है, तो थोड़ा और क्या डाल देते हैं कैटलिस्ट, तो ये फटाफट कोरोड हो जाए, इजंट इट। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव बेरिलिएट आयन। और ये वो तो कहता है एल्यूमिनेट आयन, नहीं समझे बात। अरे भाई जो हाइड्रोक्साइड है उनमें घुल के बेरिलियम कह देता है बेरिलिएट आयन, और ये कहता है एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है, चार OH नेगेटिव जुड़ जाएंगे, और बेरिलियम के साथ भी क्या होंगे, चार OH नेगेटिव जुड़ जाएंगे। आगे आपको दोनों क्या बनाते हैं, द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है Cl नेगेटिव ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। मैंने आपको बताया था ना कि जो यहाँ पर कौन होता है हमारे पास, इसका डाइमर होता है, क्या होता है बेरिलियम BClII का, वेपर फेज में बेरिलियम क्लोराइड कैसे रहता है, डाइमर की तरह। कैसे भाई, यहाँ पर कौन है, दो बेरिलियम दो क्लोरीन यहाँ है, और दो क्लोरीन कहाँ पर होते हैं ब्रिजिंग में, कहाँ पर होते हैं। तो सिमिलरली भी क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी कैसे रहता है, बताओ भाई बताओ। बोथ एल्यूमिनियम हैव सील ब्रिज्ड क्लोरीन स्ट्रक्चर इन वेपर फेज एंड बोथ क्लोराइड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक, मतलब इनका इसका डाइमर बनेगा तो यहाँ भी क्लोरीन क्या आएगा ब्रिजिंग में, और जब एल्यूमिनियम का डाइमर बनेगा वहाँ भी क्या क्लोरीन क्या है ब्रिजिंग के अंदर। अरे वो तो क्या होगा, बोथ क्लोराइड्स आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट एंड आर स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। क्या दोनों के ही क्लोराइड क्या होते हैं बताओ, ऑर्गेनिक एसिड में सोल्यूबल, और क्या है लेविस एसिड। लेविस एसिड क्यों भाई बताइयो, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास BeCl3 है, क्या मेरे पास शाबाश बनता है BeCl3 BeCl2, हाँ हाँ भरने लग रहे हैं। ठीक है, ये बताओ क्या हमारे पास, तो 2s2 और 2 पे खाली होता है ना, तो अगर मान लिया आपने यहाँ पर जोड़ भी दिया, तो दो से अगर मान लिया भाई बेरिलियम का हाफ फील्ड हो गया, तो एक बेरिलियम से दो Cl जुड़ गए कि जुड़ गए, लेकिन इसके पास दो क्या रहेंगे हाफ फील्ड, और इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है। बेरिलियम के पास भाई दो इलेक्ट्रॉन होते थे ना, कितने होते थे, दो, तो दो क्लोरीन जुड़ भी गए कोवेलेंट बॉन्डिंग से, तो इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा, चार, लेकिन आठ तो भी पूरे नहीं हुए। और मैंने आपको बता रखा है लेविस एसिड के तौर पे, बताओ कौन एक्ट करता है, लेविस एसिड के तौर पे कौन एक्ट करता है, कौन, जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो, पॉजिटिव हो, डेफिशिएंट हो, वो सब कैसे एक्ट करते हैं, लेविस एसिड की तरह। तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है ना भाई, तो ये और भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ये लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है भाई, तो क्या ये लेविस एसिड। और सिमिलरली AlCl3 भी क्या है, मशहूर लेविस एसिड, क्या ये था गुहाने की मशहूर जलेबी, वैसे क्या होता है ये क्या भाई, AlCl3 भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं आप इसको, AlCl3 की रिएक्शन आप बहुत पढ़ोगे, वहाँ पर रिएजेंट होता है ये। ठीक है बात, अरे बोलो भाई बताओ, तो AlCl3 में तो क्या करेगा, ये भी लेविस एसिड, क्यों, क्योंकि एक एल्यूमिनियम के पास क्या है, तीन है, एक एल्यूमिनियम के पास क्या है, तीन है, और तीन में तो क्या है मेरे पास Cl आ गए, नहीं समझे बात। तो अगर मैं इसको बॉन्ड को कोवेलेंट मान लूँ, बॉन्ड को मैं काफ़ी हद तक कोवेलेंट मान लूँ, हालांकि इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होता है ज़्यादा, तो एल्यूमिनियम के छः ही तो हो गए, कितने एल्यूमिनियम के छः, तीन इसके थे, तीन क्या है क्लोरीन के छः हुए ना, ये भी क्या डेफिशिएंट, तो ये भी क्या हुआ लेविस एसिड, ये भी क्या होता है लेविस एसिड। तो ये एक Cl नेगेटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, किसको, एक Cl नेगेटिव को, क्या बना लेगा AlCl4 नेगेटिव, क्या बना लेगा AlCl4 नेगेटिव। आगे आपको, तो ये भी क्या लेविस एसिड है, दे आर यूज इन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन एज कैटालिस्ट, क्या भाई AlCl3 आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे जब, तो वहां पर रिएक्शन आएगी फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, क्या आएगी, वहां पर आपको पता लगेगा AlCl3 रिएक्शन को कैटलाइज करता है, क्या करता है ये रिएक्शन को
कैटालाइज, पूरा मैकेनिज्म आपको थप्पड़ आएंगे। और एक क्या है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। आमतौर पे क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी, बताओ क्या बताया था, क्या भाई हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा क्या होता चार्ज उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, बताओ क्या होगी उसकी भाई, बढ़ जाएगी ना, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये BeF42 नेगेटिव एंड AlF63 नेगेटिव, तो दोनों क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं ये आपको आगे पढ़ाएंगे, ये आपका बारहवीं क्लास में आता है कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कहाँ पर आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर भाई वही है, यहाँ पर डेड ट्यूब बॉन्ड बनेंगे, क्या बनेंगे, यहाँ पर लिगेंड्स आएंगे, मतलब मेटल के साथ कुछ नॉन मेटेलिक ग्रुप जुड़ते हैं, मेटल के साथ क्या जुड़ते हैं, नॉन मेटेलिक ग्रुप, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है मिस्टीरियस, इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। ओके समझ में आ गया, तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।